स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए लुइस मोंटेनेग्रो, बी विक्टर ओरबान, सी पेड्रो सांचेस, डी मार्क रूटे। आंसर डी मार्क रूटे। एक्सप्लेनेशन, नाटो ने मार्क रूटे को अपना अगला महासचिव नियुक्त किया। नीदरलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव होंगे। ब्रसल स्थित मुख्यालय में एक बैठक के दौरान नाटो राजदूतों द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई। वे 1 अक्टूबर को वर्तमान महासचिव नॉर्वे के जेम्स स्टोल्टेनबर्ग से कार्यभार ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न, भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए शिमला, बी नैनीताल, सी देहरादून, डी धर्मशाला। आंसर ए शिमला। एक्सप्लेनेशन, भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का शिमला में उद्घाटन किया गया। संग्रहालय का उद्घाटन भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया। ये संस्थान की समृद्ध विरासत और राष्ट्र के शासन में योगदान के संरक्षण और उत्सव में एक मील का पत्थर है। ये कैक संस्था के विकास उपलब्धियों और मील के पत्थरों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है? अगस्त्यवनम जैविक उद्यान, बी बन्नेरुघट्टा जैविक उद्यान, सी सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, डी नाहरगढ़ जैविक उद्यान। आंसर बी बन्नेरुघट्टा जैविक उद्यान। एक्सप्लेनेशन, भारत की सबसे बड़ी और तीसरी तेंदुआ सफारी बेंगलुरु के बन्नेरुघट्टा जैविक उद्यान BBP जनता के लिए खोल दी गई है। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने इस तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया है। फिलहाल सफारी में 8 तेंदुओं को छोड़ा गया है। बन्नेरुघट्टा जैविक उद्यान में पहले से ही अपने XC2 संरक्षण कार्यक्रम के तहत शेर, बाघ और स्लोट भालू हैं। इस उद्यान के चिड़ियाघरों में मांसाहारी जानवरों की सबसे बड़ी संख्या है। अगला प्रश्न, महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? ए देवी निबा जला, बी हिमा दास, सी किरण पहल, डी स्नेहा के। आंसर सी किरण पहल। एक्सप्लेनेशन, हरियाणा की किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर में 50.92 सेकंड का समय निकाला। अगला प्रश्न, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने NCR में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? ए 4.0 करोड़, बी 4.5 करोड़, सी 5.0 करोड़, डी 5.5 करोड़। आंसर बी 4.5 करोड़। एक्सप्लेनेशन, NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने NCR राज्य सरकारों में संबंधित विभिन्न निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए 4.5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्ष पूरे NCR में लगभग 3.85 करोड़ नए वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से वर्ष के दौरान लगभग 3.6 करोड़ वृक्षारोपण सफलतापूर्वक पूरे किए गए।